ओके व्यूअर्स, सो अब हम जो है टूर स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तैयब, जो कि B17 मल्टी गार्डन्स के डीलर हैं बहुत अरसे से, 2005 से वो B17 के साथ जो है मुंसलिक हैं। और आज उन्होंने मुझे स्टोर में इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो हमें कुछ ऐसी डिटेल्स बताएंगे B17 के बारे में, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी नॉलेज जो मोस्ट प्रॉब्ली हर बंदे को नहीं पता होती हैं। सो अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम सलाम। सो अब हम ये एंटर हो रहे हैं, ये गेट वन है मल्टी गार्डन्स का, गेट वन में हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो ये मुझे ब्लॉक्स का बताते रहे साथ साथ ही कौन सा ब्लॉक चल रहा है। B17 बेस करता है 9 डिफरेंट ब्लॉक्स पे और गेट वन जो है वो बना हुआ है ब्लॉक बी में। ठीक है, इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, मिनिमम जो है वो 3067 मरलास है और मैक्सिमम 2 कनाल के पूरे शिप प्लॉट्स। इसके अलावा 5 मरले से लेके कनाल तक के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बार्स, पूल्स, मस्जिद, प्रॉपरली जो है हर चीज़ डिज़ाइंड है। और इस टाइम बी ब्लॉक जो है सबसे ज़्यादा आबाद है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिहाइश है। उसके बाद गेट नंबर 2 जो है वो B17 का ब्लॉक ए में आ जाता है। ठीक हो गया। ए ब्लॉक जो है इसमें मिनिमम साइज 10 मरले हैं और मैक्सिमम 2 कनाल की कटिंग है। उसमें भी प्रॉपर स्कूल, कमर्शियल, बार्स, इवन एक केस यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हुई है। सही। और इसके बाद आ जाता है ए ब्लॉक में ही गेट नंबर 2 है, जो कि जीटी रोड से ही इसका रास्ता है और इसमें मशहूरी उसकी है डैम के वाले से। एक डैम बना हुआ है गेट नंबर 2 पे। अच्छा अच्छा, वो वहाँ से उसकी भी एंट्रेंस है। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइएगा टोटल B17 में इस टाइम पे कितने ब्लॉक्स हैं टोटल, और कौन से जो है ब्लॉक CDA में आते हैं और कौन से RDA में आते हैं, और ये RDA और CDA का चक्कर हुआ क्यों? मतलब कि CDA के सेक्टर्स पहले पूरा CDA में आता था और अब RDA में है और CDA में इसका सेपरेट हुआ क्यों, ये सारी जरा हमारे व्यूअर्स को तो बताएं कितने ब्लॉक्स हैं। 2005 में जब सोसाइटी इनिशियली लॉन्च हुई थी उस टाइम इनके ब्लॉक्स थे 5, ABCDE। इसका LOP मंजूर हुआ था CDA से। अच्छा अच्छा। और 2017 अराउंड 16 में ए और बी ब्लॉक को CDA में कर दिया गया और बाकी सारों को जो है CDEFG B1 C1 ये सारे जो हैं शिफ्ट कर दिए गए RDA में। अच्छा। मलक दीन साहब जो हुआ करते थे रजिस्ट्रार मुशर्रफ दौर में, उन्होंने जो है एक कहा था, प्रपोजल दिया था कि चूंकि आपका ये वाहिद कैपिटल है पाकिस्तान में इस्लामाबाद जिसका अपना आज तक एयरपोर्ट नहीं है, तो फतेह जंग एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा था उसमें इस्लामाबाद के अंदर लाने के लिए 23 तक सेक्टर एक्सटेंड करने थे। दैट टाइम उस टाइम 13 तक थे, फिर 17 पे आए और 17 से फिर उन्होंने 23 तक का अप्रूवल दिया। जब 2016 या 17 में गवर्नमेंट नहीं आई, उसने उन सारों को 23 वाले जो थे 17 से आगे यानी कि 18, 19, 20 के जो सेक्टर्स थे उन सारों को ख़त्म करके 17 तक की जो है उसको सिर्फ CDA में लाए। इस वजह से जो है ये ए और बी ब्लॉक जो है वो CDA में है और बाकी तमाम तर सेक्टर 7 के साथ बाकी ब्लॉक्स जो हैं इसके B17 के वो आपके RDA में चले गए। लेकिन इसमें इसकी डेवलपमेंट या इसकी जो बाकी मेंटेनेंस वगैरह है उसमें किसी किस्म का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। सही। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइएगा, इसके बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं, सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, आप खुद भी यहाँ के रिहायशी हैं तो आपको कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बड़ी अच्छी रिहायश है। एक तो मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है और बेसिकली जो सोसाइटी के जो डिजाइन बना हुआ है, जिस तरह की उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, हर गली ओपन है, कोई भी चीज बंद नहीं है। तो क्रॉस वेंटिलेशन जो होती है हवा के लिए वो जरूरी होती है और इसी तरह की सोसाइटी बनी हुई है जिससे सख्त गर्मी में भी आपको गर्मी उस तरह फील नहीं हो रही होती चूँकि हवा तेज़ है। और दूसरी चीज़ यह है कि चूँकि पहाड़ के बिल्कुल दामन में है तो एक किस्म का वैली का व्यू बन जाता है। सही हो गया। तो ये बताइएगा अभी हम कौन से ब्लॉक में हैं? हम इस टाइम बी और सी के इन बिटवीन रोड है, जिसमें राइट साइड पे जो है हमारे वो हैं टोटली घर रिहायशी लोग और साइड पे एक ग्रीन बेल्ट है जिसके अंदर फुटबॉल ग्राउंड वगैरह, क्रिकेट ग्राउंड्स बने हुए हैं और उसके ऑपोजिट जो है वो फिर सी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है।
ठीक है। तो ये मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो सीडीए के सेक्टर और आरडीए के सेक्टर B17 के अंदर सेपरेट हुए हैं, कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो सीडीए में आते हैं और कौन कौन से हैं जो आरडीए में आते हैं? ए और बी ब्लॉक सीडीए के हैं, बाकी सी B1 एक्सटेंशन C1 DEFG ये सारे जो हैं आरडीए में चलेंगे। अच्छा, इसकी कोई वजह अगर आपको मालूम हो कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन कोई? आपसे थोड़ी देर पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट जो चेंज हुई है, ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, इसने बहुत सारे, सिर्फ 2017 के साथ ही नहीं, 17 से ऑनवर्ड जितने भी सेक्टर्स थे, 18, 19, 23 तक जो सेक्टर थे, उन सारों को खत्म करके 17 तक का जो है वो इस्लामाबाद डिक्लेयर किया है। और पहले जो था वो 23 तक जाते, क्योंकि इस्लामाबाद का वही बात रिपीट करूंगा कि अपना जो है वो कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। इस्लामाबाद दुनिया का वाहिद कैपिटल है जिसका अपना एयरपोर्ट नहीं है, तो एयरपोर्ट के शामिल करने के लिए आज भी इस गवर्नमेंट को ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि अगर 23 तक सेक्टर जाते हैं तो फिर जाके इस्लामाबाद के दूध में न्यू एयरपोर्ट आएगा, अदरवाइज वो भी आउट ऑफ इस्लामाबाद। तो जी, ये सी ब्लॉक स्टार्ट हो चुके थे, लेफ्ट हैंड पे हमारे सी ब्लॉक है और लेफ्ट और राइट दोनों पे सी है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे डी ब्लॉक आ जाएगा। ठीक हो गया। इसमें जो है वो 7 मरले से लेके 1 कनाल तक के प्लॉट्स हैं। अच्छा अच्छा। अब आगे हम जितने भी ब्लॉक्स विजिट करेंगे उन सारों में C1, F4, G को छोड़ के बाकी सारों में मिनिमम साइज 7 मरले से कनाल तक है, और C1, F4, G में जो है वो 5 मरले से फिर कनाल तक चला जाता है। बी ब्लॉक का जो एरिया है ये कोई थोड़ा सा हमारा नॉन पोजेशन है, और कुछ एरिया जो है डी ब्लॉक का वो आपका पोजेशन में है, बाकी तमाम तर 19,000 के करीब इसमें प्लॉट्स हैं, जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि कोई 1500 प्लॉट्स का पोजेशन नहीं है, बाकी सब का पोजेशन है। अच्छा, तो ये बताइएगा B17 का जो टोटल एरिया है कितनी जमीन है इनकी, टोटल कितना हजार कनाल? ये अराउंड कोई आ जाती है कोई 30,000 प्लस आ जाती है। अच्छा अच्छा, और इसमें से कितनी जो है कनाल जमीन वो पोजेशनेबल है, यानी कि लोग उस पर रह रहे, घर वगैरह बने हुए हैं, रह रहे हैं, स्कूल्स बने हुए हैं? स्कूल्स जो हैं वो अभी आप कह लें कि एक प्रॉपर स्कूल के जो अंदर बने हुए हैं उसमें कुर्तुबा एक प्रॉपर स्कूल बना हुआ है 2 कनाल के प्लॉट के ऊपर, जो प्रॉपरली सोसाइटी का जिस तरह लैंड था, और बाकी जो छोटे स्कूल हैं उनको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो प्रॉपर बिल्डिंग बन जाएगी। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइएगा जब B17 स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट कैसे हुआ था, मुझे पूरी जर्नी बताएं, क्योंकि आप तब से B17 के साथ हैं जब ये बिकना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो मुझे पूरी जर्नी बताएं कि किस तरह से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे क्या मौजूद था, क्या ये सारा कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस टाइम हमारे राइट साइड पे आ रहा है ब्लॉक डी और लेफ्ट पे हमारे है ब्लॉक सी। अच्छा, आपने पूछा था कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी। मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके 4 प्रोजेक्ट्स हैं, E11-1, E11-3 जो के इस्लामाबाद गार्डन के नाम से हैं, प्रोजेक्ट नेम इस्लामाबाद गार्डन, सेक्टर नेम E11। उसके बाद F17 है फतेहजंग रोड पे टेली गार्डन के नाम से, और इसके बाद तीसरे नंबर पे इनका ये प्रोजेक्ट आया था B17 मल्टी गार्डन। ये इसमें उस टाइम जनरल मैनेजर हुआ करते थे चौधरी अब्दुल मजीद साहब। अच्छा अच्छा। उनकी दिन रात की मेहनत से इसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हुई, लैंड एक्विजिशन उन्होंने करवाई, और इनिशियली जो है जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम एक स्लम्प आया था बिजनेस का, जिस पर लोगों का ट्रस्ट था कि सोसाइटीज जो हैं वो डिफॉल्ट कर जाती हैं, लेकिन चूंकि ये कोऑपरेटिव अदारा था तो इसके कोऑपरेटिव होने की वजह से लोगों का एतमाद इस पे था, और ऑलरेडी उन्होंने E11 और F17 डिलीवर किया हुआ था। सही। तो बी इनिशियली स्टेज पे उन्होंने गेट नंबर 1 जिससे हम एंटर हुए थे, बी ब्लॉक पे एक कमरा बनाया सोसाइटी का, और ग्रेजुअली वहां से डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ, और ऐसा ऐसा वहाँ पे फिर आबादी आते आते आज 2021 में बी ब्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट आबाद हो चुका है। इवन अगर आप हम अभी जाएंगे ई एफ तक तो देखेंगे कि वहाँ पे भी काफी सारी फैमिलीज रह रही हैं। सही।
इसके अलावा इन्होंने मल्टी आर्चर्ड भी एक प्रोजेक्ट किया जंग बहादुर में जो फार्म हाउसेस का है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मल्टी को बूस्ट लगा जिसमें पॉपुलैरिटी आप कह सकते हैं कि जो 2017 की वजह से मल्टी प्रोफेशनल्स को पॉपुलैरिटी मिली वो मल्टी गार्डन 2017 का। ये वो वाहिद प्रोजेक्ट था जो मेन जीटी रोड पे जिसका 1.5 किलोमीटर का फ्रंट था और जिसपे 2 गेट बने और इसकी डेवलपमेंट में दिन रात की चौधरी साहब ने, और जिसकी वजह से आज चौधरी साहब भी इस्लामाबाद के एक मशहूर नामी ग्रामी बिल्डर डेवलपर के तौर पे मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे टोटल जी तक ब्लॉक्स है राइट जी, तो इस टाइम पे जो है ई ब्लॉक में मैंने देखा है कुछ लोग कह रहे हैं एफ और जी की क्या सूरत हाल है और प्राइसेस आजकल क्या चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों ही ऐसा हुआ था कि 2017 की प्लॉट्स की प्राइसेस गिर गई थी, थोड़ी कम हो गई थी, आजकल भी थोड़ी कम चल रही है, तो उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ? एफ ब्लॉक में भी रिहाइश है, विलास बने हुए हैं जिसमें लोग कुछ लोगों के अपने रिहाइश है और कुछ लोग रेंट पे भी रह रहे हैं, पानी बिजली गैस मौजूद है। जी ब्लॉक की डेवलपमेंट हो रही है, लैंड पूरी उन्होंने एक्वायर की भी है। अच्छा। और जो प्राइसेस की बात आ जाती है तो प्राइसेस ग्रेजुअली हर साल बढ़ती आई है जब से 2017 लॉन्च हुआ था। ये फर्स्ट टर्नओवर था आफ्टर कोरोना के जिसमें बूस्ट लगा था। एमएनएसटी स्कीम एक गवर्नमेंट लॉन्च करती है जो आज तक मेरे टर्नओवर में तीसरी दफा आई है। अच्छा अच्छा। पहले सबसे पहले नवाज शरीफ ने निकाली थी जो 3-1 महीने की थी, पर उसके अंदर भी कोई खास बूस्ट रियल एस्टेट में नहीं आया था। जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट रहे उनके दौर में दूसरी एमनेस्टी स्कीम आई, तीसरी इमरान खान साहब के दौर में आई है। एमनेस्टी स्कीम का बेसिक पर्पज ये होता है जो बिजनेसमैन लोग जिन्होंने पेमेंट अपनी कैश इन हैंड ज्यादा रखते हैं, चूंकि बिजनेसमैन तबका जो है उसको लेन देन की जरूरत पड़ी होती है हर टाइम, तो वो बैंकों के अंदर पेमेंट कम रखते हैं, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो लोग अपनी पेमेंटें बैंक्स में रखें और अपने साथ से डिक्लेयर करें ताकि जो है उनको कल को फ्यूचर में किसी किस्म के मिसहैप में उनको अकोमोडेट किया जा सके, उनको उनकी जो ग्रे मनी है उसको वाइट कराया जा सके। और जब इस तरह की स्कीम आती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी अरबों की ट्रांजेक्शन चल रही होती है हिडन, वो लोग फिर अपनी पेमेंटें वाइट करने के चक्कर में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो जिसमें रियल एस्टेट को इस दफा जो है क्योंकि रियल एस्टेट से तकरीबन कोई 70-72 इंडस्ट्रीज अटैच्ड है, तो इस दफा ये हुआ है कि रियल एस्टेट का बूस्ट सबसे ज्यादा लगा है। इसमें सिर्फ एक 2017 की रेट से ही नहीं फ्लक्चुएट हुए, जिन जो आबादियां थी जहाँ पे इस्लामाबाद के सेक्टर्स में, कराची में, लाहौर में, वहां पे भी प्राइसेस जो है एकदम इंक्रीज हुई। और जब भी बिजनेस में या आप इकोनॉमिकली अगर आप देखें, अगर एक चीज का रेट एकदम जब इंक्रीज होता है किसी भी चीज का, तो जिस स्पीड से वो ऊपर जाता है ग्रेजुअली उसी हिसाब से फिर डाउनफॉल भी आता है। ऐसा ही है। तो रियल एस्टेट में ये जो एमएनएसटी की वजह से बूस्ट लगा जिसमें काफी सारे लोग जो है वो बिल्डर के तौर पे नजर आए, कुछ लोग प्रॉपर्टीज खरीदने में नजर आए और कुछ ने अपनी पेमेंट वाइट की, बहुत सारे लोग फाइलर्स बने, गवर्नमेंट को टैक्सेस आए, तो जैसे ही ये स्कीम खत्म हुई तो लोगों के जहन में आया कि अब शायद जो है वो हमारा चेक एंड बैलेंस होगा, तो उन्होंने एक तो अपनी पेमेंट जो है वो डंप कर दी। अच्छा। जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो निकाल ली, कुछ ने जो है उसमें बिजनेस में जो है वो आपके प्राइसेस जो है वो रोक ली के अब जो है कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, चूंकि बहुत सारे लोगों ने पेमेंट निकाल के तो प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना शुरू कर दिया था। हाँ, 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 तो प्रोजेक्ट्स जब ज्यादा आ जाते हैं मार्केट में तो तब भी ये होता है कि एक पॉकेट खाली हो जाती है सेल परचेज की और लोग ज्यादा उस तरफ मूव कर जाते हैं, तो जिस वजह से मार्केट थोड़ी सी क्लैप्स में आती है। तो क्लैप्स की यही रीजन है कि ये एक तो गवर्नमेंट ने जो FBR ने फौरी तौर पे एमनेस्टी के खत्म होते ही लोगों का चेक एंड बैलेंस शुरू किया है, स्पेशली रियल एस्टेट से मुतलका लोगों का, तो उसमें जो है उसमें बहुत बड़ा क्लैप्स बना है। और अगर गवर्नमेंट इसी तरह मजीद चेक एंड बैलेंस रखेगी जैसे गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जी हम जो है एमनेस्टी स्कीम में आए हुए लोगों को चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे और कस की कैसे पैसे आए कैसे ट्रेडिंग हुई, तो वो अपने वादे से मुनकर जो होने के बावजूद हुए हैं और उस वजह से जो है ये क्लैप्स जनरेट हुआ है।
जैसे कि एक रेट एक चीज का करोड़ पे को टच कर रहा था, यकमुश्त गवर्नमेंट ने जब चेक एंड बैलेंस शुरू किया स्पेशली स्टेट एजेंट्स का, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने हाथ जब खड़े किए तो करोड़ पे वाली चीज जो है वो 70-75 लाख पे आ गई, और मजीद अभी तक वो कंटिन्यू है और आगे देखें अल्लाह बेहतर करने वाला। अब हम इस टाइम C1 के एरिया में आ गए हैं, या आप देख सकते हैं जो है सी का एक्सटेंशन है। C1 एक ब्लॉक हुआ करता था, सोसाइटी होती थी यहाँ पे एक छोटी सी कोस्तान के नाम से। अच्छा, उसको इन्होंने परचेज करके एक नया ब्लॉक लॉन्च किया था C1 के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डी से ई को एक ट्रैक बनना था, अब वो ये इजी हो गया। मजीद गेट नंबर 2 से आप ए से एंटर हो और सीधा C1 में आ सकते हैं, C1 से ई एफ एंड जी को जा सकते हैं। और अब ये ट्रैक तकरीबन आपका कोई आप कह लें कि मेन जीटी रोड से मोटरवे जो इंटरचेंज अप्रूव्ड हुआ है जो कल को बनेगा, तो वो जो है तकरीबन कोई 6 किलोमीटर का ये पैच है जो सीधा मोटरवे के इंटरचेंज तक जाएगा। सही, तो मुझे ये बताइएगा कि टोटल एंट्रेंस गेट्स कितने हैं करंट के? नाउ 2 हैं, मैप के ऊपर 3 हैं, एग्जिस्टिंग जो हैं जिससे आप आ जा रहे हैं वो 2 हैं। अच्छा, 3 जीटी रोड से हैं, एक फ्यूचर में आने वाले दौर में मोटरवे का इंटरचेंज बनेगा। हाँ। वो आपका एक वो भी एक्सेस बन जाएगा। सही, चलो तो ये मुझे बताइए अभी हम कौन से ब्लॉक में हैं? हम C1 चल रहा है। B17 जो डिजाइन हुआ हुआ है जैसे इस्लामाबाद का एक सेक्टर 1.5 किलोमीटर by 1.5 किलोमीटर का है, सेम एज इट इज B17 का हर ब्लॉक है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर by 1.5 किलोमीटर पे डिजाइन हुआ हुआ है। मिनिमम 40 फीट वाइड स्ट्रीट है और मैक्सिमम 200 फुट की है। ये इस टाइम हम बेन बुलवार्ड से इसके गुजर रहे हैं। सही, और इसमें हर तरह की सहूलियात इस टाइम मौजूद हैं, पानी बिजली गैस PTCL इंटरनेट मुख्तलिफ कंपनियों के अब आ गए हैं, PTCL के अलावा भी वो भी अवेलेबल है। सही। और अच्छा भैया मुझे ये बताइएगा यहाँ पे पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है, पानी किधर से आ रहा है, बोरिंग का है या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गैस सिलेंडर में है या इस पे पूरी लाइन बिछी हुई है, ये क्या है? और इसके अलावा जो सीवरेज का सिस्टम होता है वेस्ट का, उससे क्या सिस्टम है यहाँ पे? सीवरेज का जो है प्रॉपर इंतजाम है इनका, प्रॉपर ड्रेनेज इन्होंने प्लांट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, बरसाती नालों की शक्ल दी हुई है और नालें जो है उसमें जाती है और फर्दर जाके वो वहाँ पे ड्रेनेज वाले में फिल्टर हो जाती है। जो बिजली है वो अंडरग्राउंड है पूरे B17 की ब्लॉक, चूंकि B17 के नाम से ये मशहूर है, मल्टी गार्डन से मशहूर कम है, तो इस वजह से हम उसको B17 ही डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें बिजली तो होगी अंडरग्राउंड, गैस जो है वो जो ABC ब्लॉक है जो पुराने हैं उसमें स्वी गैस नॉर्दर्न गैस है, और नए जो ब्लॉक्स हैं उसमें RLNG का कनेक्शन गवर्नमेंट दे रही है अब। तो ये एक 2017 के लोगों के साथ एक किस्म की ज्यादती है, चूंकि लोगों ने पुराने घर बनाए हुए भी थे लेकिन जब कनेक्शंस प्रोवाइड किए तो गवर्नमेंट ने RLNG का जो है वो बाय फोर्स जो है वो कनेक्शन दिया, जबकि पाइप्स अगर आप गौर से देखें तो पुरानी वही डली हुई है और उससे आगे आप वही चीज वही ले रहे हैं लेकिन रेट्स आप नहीं दे रहे। और जो पानी है, पानी जो है मल्टी का ये कमिटमेंट है कि जिस ब्लॉक में 70% आबादी हो जाएगी उसमें मल्टी खुद जो है वो पाइप थ्रू सप्लाई देगी, फिलहाल जो है वो बोरिंग के पानी चल रहा है। अच्छा, तो ये खुद यहाँ के रहायशी यहाँ खुद B17 में रहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यानी कि पानी का गैस का आपके आप ई ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में आपकी रहायश ब्लॉक में मेरी रहायश है। अच्छा जी, तो वहाँ क्या सिस्टम है पानी का गैस का ये सारा बताएं हमारे व्यूअर्स को। गैस अल्हम्दुलिल्लाह RLNG के कनेक्शन हमने लिए हुए हैं, शॉर्टेज तो किसी किस्म की नहीं है। पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोई 70 फीट पे कहीं से आ जाता है, किसी पे 100 फीट पे आ जाता है। अच्छा। पानी भी बहुत अच्छा साफ सुथरा पानी है और मेरे ख्याल से कि इस टाइम के जो हालात जा रहे हैं इस टाइम सबसे अच्छी सोसाइटी जो है वो इस जोन की B17 है। इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब खूबसूरत भी बहुत है और रेट्स भी अच्छा, इसके भी रेट्स क्या चल रहे हैं? है ई ब्लॉक के भी हम जो है वो काफी आगे आ चुके हैं, नियर टू एफ ब्लॉक है। अच्छा, पीछे से ई ब्लॉक था जहाँ से मस्जिद आई थी वहाँ से ई ब्लॉक स्टार्ट हो गया। सही,
तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इनके अभी ब्लॉक टू ब्लॉक रेट्स अलग है या फिर इनकी किस तरह से ब्लॉक्स डिवाइडेड किस तरह से है? जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि ए ब्लॉक है तो वहाँ सिर्फ 10 मरला के प्लॉट्स हैं, बी ब्लॉक है यहाँ सिर्फ 5 मरला, यहाँ पर किस तरीके से ब्लॉक्स डिवाइडेड है? और ये भी बताएं कि ब्लॉक टू ब्लॉक प्राइसेस डिफरेंट है या क्या क्या सिस्टम है? नहीं, इसमें ब्लॉक वाइज कोई ऐसा खास फ्लक्चुएशन नहीं है और ना ही कोई इस तरह की सेपरेशन है कि हर ब्लॉक में हर तरह की कटिंग है। जैसे इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर है कि 5 मरले के भी प्लॉट्स हैं और लेकिन प्रॉपर गलियां लैदा हुई हुई हैं, कनाल के भी हैं, 10 मरले के भी हैं, इसी तरह इसमें भी है। सिर्फ ये है कि जो स्टार्टिंग के ब्लॉक्स 5 थे ए बी सी डी ई, इसमें 7 मरले से लेके और जो है वो 2 कनाल तक, कनाल तक, कनाल 2 कनाल की कटिंग तक है। जबकि जो नए ब्लॉक्स आए थे C1, F और G, इसके अंदर जो है वो 5 मरले भी, चूंकि बहुत सारे लोग थे हमारे ही मेंबर्स थे जिन्होंने कहा जी कि हमें 5 मरले भी प्लॉट चाहिए, हमने अपने लिए अपने रिश्तेदारों के लिए रिहाइश रखनी है, उनको जो है वो 5 मरले की फिर कटिंग लॉन्च इन्होंने की थी। 25-50, 30-60, 35-70, 40-80, 50/90 और 80/110, 120 के प्लॉट्स की ये हर तरह हर ब्लॉक में इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। इसी तरह कमर्शियल में 30/40, 40/60, 50/60, 50/90 इस तरह प्रॉपर डिजाइन किए हुए। ये अब हम एफ ब्लॉक में है, ये एफ ब्लॉक का मतलब एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक ठीक है। अच्छा, ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं MR13, MR12 पीछे भी मैं देखती आ रही हूँ, MR10, इन्होंने गलियों को मतलब उस तरह से किया है, जो मेन बुलेवार्ड्स हैं उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि लोगों को नॉर्मली लोग रखते हैं नामों के ऊपर, इन्होंने जो है वो MR10, MR9, MR13 इस तरह करके इसको नाम दिया है ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो सके, पहचान सके। मेरा जो दूसरा एक और सवाल है वो ये है कि इसी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं फैसल मार्गला सिटी, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, ये सारा आप मुझे बताइएगा कि ये 2017 में आते हैं, ये किसी क्या है, ये किसके बारे में कुछ बताइए जरा व्यूअर्स को। जिस तरह मल्टी के आपको बताया कि 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह ZM इंटरनेशनल फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के भी 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। जो कि चौधरी अमजद मजीद साहब जब अपना GM थे मल्टी के, जब उन्होंने अपना जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिजाइन किया तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, फतेहजंग रोड पे फैसल टाउन किया, फैसल रेजिडेंशिया लॉन्च किया, 2017 के अंदर ही फैसल मार्गला सिटी, एक लैंड खाली थी उसके अंदर उन्होंने एक्वायर करके फैसल मार्गला सिटी लॉन्च की है। अच्छा। और बिल्कुल एडजस्टेंट 2017 चूंकि आपने देखा पहाड़ों के ऊपर है तो पहाड़ों के ऑपोजिट साइड पे फैसल हिल्स के नाम से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और वो भी सेम, उसकी प्राइसेस और उसकी डेवलपमेंट और उसकी कटिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो 2017 की तरह, प्राइसेस का थोड़ा बहुत रेट्स का फर्क है, बाकी ये है कि उसकी और इसकी डेवलपमेंट का प्लान जो है वो सेम टू सेम एज इट इज, एक जैसा। सही, तो ये मुझे बताइएगा कि 2017 चौधरी अब्दुल मजीद साहब ही देख रहे हैं अभी भी? नहीं, बेसिकली आपको बताया ये कोऑपरेटिव अदारा है। हाँ जी। तो जो भी बंदा कोई शॉप लेता है, फ्लैट लेता है, प्लॉट लेता है या घर परचेज करता है वो इसका मेंबर बनता है, कोऑपरेटिव अदारा है और हर साल इसके इलेक्शंस होते हैं और जब आप अपने इलेक्शंस के लिए आप अगर समझते हैं कि मैं क्वालिफाइड कर सकता हूँ, इलेक्शंस मेरी इतनी है, लोगों से गुडविल है आपकी और आप मल्टी के साथ जो है वो मिल के उसके काम में डेवलपमेंट कर सकते हैं तो वो जो है आप इसमें पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में और एज एग्जीक्यूटिव मेंबर आए, सेक्रेटरी की पोस्ट खाली होती है उसके इलेक्शंस होते हैं। सही। जिस तरह की आपके अंदर आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं वापडा या स्वी गैस के कनेक्शंस लगवा सकता हूँ, रोड डेवलपमेंट करा सकता हूँ, किसी किस्म की भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं तो वो पोस्टें होती हैं, उसके हिसाब से आपने इलेक्शन लड़ने हैं और फिर आप उसके ऊपर फाइट करें। सही हो गया। तो ये मुझे बताइएगा, ये अब आप जी ब्लॉक में आ गए हैं जिसका डेवलपमेंट होती भी आपको नजर आ रही है, यहाँ पर भी कटिंग्स हो रही है प्लॉट की, यहाँ पे कटिंग हो रही है काफी सारी, हो चुकी भी है। अच्छा। हम वहाँ तक ही जाएंगे जहाँ तक इस टाइम एक्सेस है, इजी। सही हो गया, सही। अमानत.com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।